बिजली का निजीकरण बंद करो, बंद करो। बिजली का निजीकरण बंद करो, बंद करो। बिजली का निजीकरण बंद करो, बंद करो। बिजली का निजीकरण बंद करो, होश में आओ, होश में आओ। सेंट्रल गवर्नमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सेंट्रल गवर्नमेंट होश में आओ, होश में आओ। बिजली का निजीकरण बंद करो, बंद करो। बंद करो भाई, बंद करो। बिजली का निजीकरण बंद करो, बिजली को बंद करो। बिजली का निजीकरण बंद करो, बंद करो। बिजली का निजीकरण बंद करो, बंद करो। बिजली का निजीकरण बंद करो, होश में आओ, होश में आओ। सेंट्रल गवर्नमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गवर्नमेंट हाय हाय, बात कर रही है अली सर, अली सर, अली यूथ कांग्रेस जिंदाबाद। फोटो पड़ी मेरे पास, जिंदाबाद। बिजली का निजीकरण बंद करो, बंद करो। बिजली का निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। बिजली का निजीकरण बंद करो। जम्मू के साथ भेदभाव नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जम्मू नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कश्मीर के साथ भेदभाव नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट हाय हाय, सेंट्रल गवर्नमेंट हाय हाय। माननीय मोदी जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जम्मू कश्मीर के साथ भेदभाव बंद करो, बंद करो, बंद साथ भेदभाव बंद करो, बंद करो, बंद करो। जम्मू कश्मीर के साथ भेदभाव। जब इकोनॉमिक स्लो डाउन है पूरी कंट्री में, जब अब लोगों के पास रोजगार नहीं है, पिछले दो महीने से पूरा देश बंद है, यूथ कांग्रेस अपील कर रही थी कि बिजली और पानी जो है वो फ्री किया जाए जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, लेकिन वो ना सुनते हुए इसके उल्टा ही जम्मू कश्मीर की सरकार ने बिजली का निजीकरण करने का फैसला किया है, जिसका भाव ये पड़ेगा कि आने वाले समय में जो 2 रुपए की, 2.5 रुपए की यूनिट है वो 8 रुपए की मिलेगी, जो 500 रुपया किराया था एक घर का वो 4,000-5,000 देना पड़ेगा। ये आर्थिक बोझ जम्मू कश्मीर के आम आदमी में पड़ेगा। हम डिमांड कर रहे थे बिजली को बिल्कुल मुफ्त किया जाए, कम से कम जब तक ये शटडाउन चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, और जम्मू कश्मीर सरकार उसके विपरीत जाके उसको निजीकरण कर रही है, ये आर्थिक बोझ डालने की बात है। और साथ ही साथ जितने भी कर्मचारी हैं जो पावर डिपार्टमेंट में हैं, जो गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? उनकी नौकरियों की गारंटी कौन लेगा? वो लोग इस मुश्किल समय में जब इकोनॉमिक स्लो डाउन है, उनको अगर नौकरियों से बाहर निकाल दिया, उनकी परिवारों की रक्षा कौन करेगा? क्या ये बीजेपी सरकार नहीं करेगी? अगर वो, मेरे को पूरा विश्वास है वो नहीं करेंगे, तो ये अमानवता क्यों इस समय में जब हमें सबको एक साथ मिलकर कोरोना को हराना है, और हम बिजली का निजीकरण करके ऐसी पॉलिसीज ला रहे हैं जिससे लोगों को प्रॉब्लम आए, ये बिल्कुल अमानवीय है, इनह्यूमन है, और इसका विरोध करने के लिए आज हम सब यूथ कांग्रेस के लोग यहाँ खड़े हुए हैं।